हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम एक कंपाउंड वॉल 100 फुट रनिंग फुट जो कंपाउंड वॉल बनाया है उसमें जो फुटिंग प्रोवाइड किया है तो उसमें पीसीसी की क्वांटिटी निकालेंगे। आगे वाले इसके आगे के एक वीडियो में हमने उसका एक्सक्रवेशन निकाला था। अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर के आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि एक्सक्रवेशन की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ये वीडियो में हम फाउंडेशन जो होता है, फुटिंग जो होता है, आरसीसी फुटिंग करने के लिए जो एक्सकेवेशन करने के बाद जो पीसीसी होता है तो पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मैं हूं रोहित और सिविल गुरु में आपका स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पास ये कंपाउंड वॉल है। ये आपको कंपाउंड वॉल का मैंने एक ड्राइंग करके यहाँ पे रखा हुआ है। मैसनरी वॉल में 10-10 फीट के इंटरवल में हमने कॉलम प्रोवाइड किए हैं, यानी कि 100 फुट का पूरा वॉल है तो उसके 10-10 फीट पे हमने कॉलम प्रोवाइड किए हैं तो उसके नंबर ऑफ कॉलम आएंगे 10। तो 10 तक कॉलम आएंगे, इसके फुटिंग भी 10 हो गए और उसका पीसीसी जो होगा वो भी हमें नंबर ऑफ कॉलम हो गए उसके 10। तो पीसीसी के जो करना है वो 10 फुटिंग के लिए करना है। तो पीसीसी की साइज हमने यहाँ पे आगे वाले भी वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में बताते हैं। फुटिंग की साइज है हमारी 4 फीट। जो फुटिंग का साइज है यहाँ से यहाँ फुटिंग जो होगा 4 फीट बाय 4 फीट का होगा, यानी कि ये फुटिंग का 4 बाय 4 का फुटिंग है। तो हमारा जो पीसीसी होगा वो उसमें 6-6 इंच ज्यादा होगा दोनों साइड से, यानी कि जो पीसीसी की साइज होगी वो 5 फीट भी 5 फीट होगी। उसका ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो जो पीसीसी जो होगा वो यहां पे होगा 6 इंच, पीसीसी जो होगा वो 6 इंच होगा। तो पीसीसी की जो डेप्थ होगी, जो थिकनेस होगी वो 6 इंच रहेगी। तो इसकी पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम वो देखते थे। उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर पीसीसी करना है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हम देखते हैं। और उसका पीसीसी का जो रेट है वो लेबर रेट हमें क्या पड़ेगा, उसको लेबर में करवाना है तो उसका लेबर भी रेट क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग हमने देखा, इसमें हमने पीसीसी देखना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स वही रहेंगे 10 नंस। उसका एल होगा, एल जो होगा लेंथ जो होगा वो 5 फीट ही रहेगी, जो हमारी एक्सकेवेशन में है वही साइज हमारी पीसीसी में रहेगी, 5 फीट लेंथ और 5 फीट ब्रीथ होगी। अब हाइट जो है उसमें कम हो जाएगी क्योंकि हाइट जो है यहाँ पे 6 इंच का पीसीसी हमें करना है, तो उसकी जो हाइट होगी वो यहाँ पे 6 इंच रहेगी। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कितना वॉल्यूम होगा वो 10 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट और 6 इंच उसकी हाइट रहेगी। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इसमें वॉल्यूम अगर आप निकालने जा रहे हो वो किस बेस पर निकालने जा रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये वॉल्यूम हमारा कितना चार्ज होगा, कितना हमारा लेबर कॉस्ट होगा उसके लिए निकालते हो तो उसमें आपको क्यूबिक फीट में निकालना पड़ेगा। और अगर ये जो वॉल्यूम है सॉरी अगर कितना लेबर चार्ज होगा उसमें निकाल रहे हो तो उसमें आपका जो पीसीसी होगा वो स्क्वायर फीट में होगा या स्क्वायर मीटर में होगा, क्योंकि पीसीसी का जो चार्ज होता है वो स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में होता है। कोर्स एग्रीगेट और सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, वो सारी क्वांटिटी अलग अलग निकालनी है तो उसके लिए आपको क्यूबिक फीट में उसका क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो ये बात दो बात ध्यान में रखना, अगर आपको लेबर रेट निकालना है तो उसकी जो क्वांटिटी निकलेगी वो स्क्वायर फीट में निकलेगी या स्क्वायर मीटर में निकलेगी। अगर आपको पूरे मटेरियल कितना जाता है उसमें वो निकालना है तो उसके लिए आपको क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर का यूज करना पड़ेगा। तो हम दोनों आज देख लेते हैं। हमारी क्वांटिटी जो है 10 नंग कॉलम है और उसका 5 फीट बाय 5 फीट बाय 6 इंच यानी 0.5 यानी 125 CFT जो हुआ वो पीसीसी का वॉल्यूम आया, 125 CFT, 125 क्यूबिक फीट ये हमारा आया, ये वॉल्यूम आ गया। अगर हमें इसके लिए लेबर कितना जाएगा उसके लिए निकालना है तो हम ये 6 इंच कंसिडर नहीं करेंगे, हम लेंथ और ब्रीथ ही देखेंगे क्योंकि स्क्वायर फीट में उसका भाव होता है, वो जो रेट होता है लेबर रेट जो होता है
वो स्क्वायर फीट में होता है, तो 5 या 5 25 ये हमारा हो गया 250 स्क्वायर फीट। तो अगर आपको उसका मटेरियल निकालना है तो उसके लिए आपको ये क्वांटिटी याद रखनी है, और अगर आपको ओनली लेबर रेट चाहिए तो उसको आपको ये वॉल्यूम ये क्वांटिटी याद रखनी है। अब एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम देखेंगे कि पीसीसी का क्या चार्ज रहेगा। अब पीसीसी का चार्ज जो होता है वो जैसे एक्सकेवेशन का चार्ज होता था, जो जो आपका एरिया होता है वहां पे जो लेबर रेट होता है, कहाँ आप काम करवाते हो, वहां बहुत सारी चीजों पे उसका डिपेंड रहता है। अगर यहाँ की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा जो पीसीसी का लेबर रेट जो है वो 15 to 20 rupees पर स्क्वायर फीट चल रहा है चेंज का। अगर चेंज का पीसीसी करना है तो हमारा जो पीसीसी रेट है वो 15 to 20 rupees पर स्क्वायर फीट है। तो उसके लिए हम पीसीसी में जाएंगे और नंबर ऑफ आइटम एब्स्ट्रैक्ट शीट में कैसे उसको लिखेंगे, तो नंबर ऑफ आइटम मैंने पहले भी बताया था, अगर पहले से आपने ये 10 तक कॉलम यहाँ पे मेजरमेंट में लिख दिया है तो यहाँ पे आपको वो 10 फिर से नहीं लिखने की जरूरत, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम एक कर देनी है। और हमारा जो माप आया, यहाँ पे हम लेबर कॉस्ट देख रहे हैं, तो इसका हम ये लेंगे 250 स्क्वायर फीट। तो हमारी क्वांटिटी जो है वो 250 स्क्वायर फीट है। रेट हमारा आया वो हम हायर साइड जाते हैं तो 20 रुपया इसका दिन के चलते हैं, और ये जो माप आएगा उसका यूनिट जो होगा स्क्वायर फीट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्क्वायर फीट निकाला हुआ है, और टोटल जो है वो अपना आएगा 250 into 20, वो आपको पीसीसी पड़ेगा 5000 रुपीज में। तो ये 10 जो कॉलम है, 10 जो कॉलम की जो पीसीसी करनी है उसका जो लेबर कॉस्ट है वो अपने को 10 कॉलम के लिए पीसीसी के लिए 5000 रुपीज पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने देखा एक्सकेवेशन भी हमने आगे वीडियो में देख लिया और पीसीसी भी देख लिया कि भाई 10 जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 10 कॉलम्स है, कंपाउंड वॉल जो हम बना रहे हैं 100 फीट लंबी, उसमें जो पीसीसी का जो वॉल्यूम आएगा वो 125 क्यूबिक फीट होगा और 250 स्क्वायर फीट होगा, और उसमें जो रेट होगा लेबर रेट वो 20 रुपीज स्क्वायर फीट से मुताबिक चले तो 5000 रुपीज जो है उसका हमें खर्चा लेबर कॉस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। ऐसे ही वीडियो नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सिविल ग्रुप को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए वीडियो को और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।